हाय दोस्तों, मैं हूं अमन छेत्री और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर इमेज में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में किस तरीके से कंपनी क्रिएट की जाती है और उसे किस तरीके से अल्टरेशन की जाएगी। एंड कंपनी यानी कि टैली को टैली ईआरपी 9 में हमें ऑपरेट करते समय हमारे बिजनेस के डिटेल्स को एंट्री करने के लिए हमारे आईडी होना बहुत जरूरी है। विदाउट आईडी हम लोग हमारे बिजनेस की एंट्री नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप फेसबुक में अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, पहले आईडी होने के बाद ही आप अपने फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस के नाम पर हमारे टैली ईआरपी 9 में आईडी होनी जरूरी है, जिसे हम लोग कंपनी कहते हैं, और इसी कंपनी क्रिएट करने के बाद ही हम हमारे बिजनेस की एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टैली ईआरपी 9 खोलते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड में हम जाएंगे और इसे खोल लेते हैं। आज हम कंपनी क्रिएशन सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे दी गई ऑप्शन में हमें क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में हमें जानी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं हुई है, खुली हुई नहीं है। नेम ऑफ कंपनी में कोई खाली जगह है, देख सकते हैं आप, कोई भी खुली नहीं है। तो अभी हमें खोलना है, तो खोलने से पहले हम लोग सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी बनाई हुई है। तो सेलेक्ट कंपनी के अंदर जाके हम देख सकते हैं, क्रिएट कंपनी में जाते हैं और क्रिएट करते हैं। हमारे बिजनेस के नाम के नाम से हमें ये फॉर्म को भरना होगा और ये फॉर्म को भरकर हमें हमारी कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट यानी कि हमारे बिजनेस के नाम पर हमें आईडी बनानी है और उसी आईडी को ही हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया भारत स्टोर, मेलिंग नेम में भी वही भारत स्टोर होगी और एड्रेस में एड्रेस भर लेते हैं, हमारे बिजनेस का एड्रेस लोकेशन क्या है वो भर लेते हैं, सिलीगुड़ी हकीमपाड़ा इंडिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अलावा और बाकी बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज हैं, नाम दिए गए हैं। ये सारे कंट्रीज में ये टैली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो इन सभी देशों में टैली ईआरपी 9 इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम टैली ईआरपी 9 को सीखते हैं तो हमें, अगर किसी का कोई प्लान है बाहर जाने का, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट में वेस्ट बंगाल ले लेते हैं। पिन कोड ऐसे ही दे देते हैं, कोई फ़ोन नंबर आप लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देते हैं। ईमेल एड्रेस दे देते हैं, कोई एक डमी दे देते हैं, bharatstore@gmail.com एंड वेबसाइट भी दे देते हैं www.bharatstore.com। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड के अनुसार से होती है। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि 12 महीने की होती है, 365 दिन की होती है और 365 दिन 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च में ख़त्म होती है 12 महीने, और फिर से 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर, दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 12 महीने की होती है और किसी भी महीने से आप अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो 31 मार्च को ख़त्म तो करना ही होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल ही लिखना है। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 दे देते हैं और मान लेते हैं कि हम लोग अगस्त में हमारी बिजनेस शुरू हुई है, मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे अगस्त नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे 1 अप्रैल ही लिखना है ताकि हम 12 महीने बाद 31 मार्च को ख़त्म कर सकें। 31 मार्च 2020 को हमारे अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 अप्रैल 2019 ले लेते हैं। और उसके बाद में नीचे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपकी खाता जो है वो कब से मेंटेन की जा रही है, यानी कि ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आप कब से रखना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगस्त महीने से शुरू हो रही है, तो अगस्त महीना मान लेते हैं, अगस्त महीना से ही हम लोग हमारा बिजनेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 2 अगस्त को ले लेते हैं, 2019 को शुरू हुई है, 2 अगस्त 2019 को। और बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं उसे हम वैसे छोड़ देते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पे हमारी करेंसी रुपीज़ में होती है इंडिया, पहले हम लोगों ने इंडिया हमारी कंट्री को सेलेक्ट किया था, तो इसीलिए हमें यहाँ पे
कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है, वैसे ही हमें पार करनी है, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। आफ्टर एक्सेप्ट ये हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ये हमारा पहला पेज आ गया, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में देख सकते हैं भरत स्टोर, नो वाउचर एंट्री, कुछ भी वाउचर एंट्री नहीं की गई है। करंट पीरियड आप देख सकते, देखिए आप करंट पीरियड ऊपर देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 लिखी गई है, यानी कि 12 महीने के लिए। और 31 मार्च 2020 के बाद में 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे करंट डेट दिखाई जा रही है जो हम लोगों ने 2 अगस्त लिया था। अब यहाँ पे पहले पेज में राइट साइड में हमारे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, मास्टर ट्रांजेक्शन यूटिलिटीज रिपोर्ट्स, यहाँ पे इसी ऑप्शन के द्वारा ही हम यहाँ पे हमारी एंट्रीज हम लोग कर पाते हैं। एंड देन उसके बाद में हम राइट साइड में छोटे से यहाँ पे ग्रीन कलर का डार्क कलर में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बटन्स, और इसी बटन को एक्सेस करके हम लोग हमारे टैली के सॉफ्टवेयर को हम लोग चलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी लिखा हुआ है, उसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं F1F इस तरीके से लिखा हुआ है, वो हमारी फंक्शन की कहते हैं, जो हमारे कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक होती है, उसी से हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, या तो इसी जो बटन दी गई है उसी बटन से भी हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी, CMP यानी कि कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, तो इसे हम जब इसके अंदर जाते हैं तो हमारे इस सॉफ्टवेयर में जो भी कंपनी हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है उसको हम लोग देख पाएंगे, चुनकर खोल सकते हैं। उसके नीचे लिखी गई है सेट कंपनी, सेट CMP यानी कि कंपनी, सेट कंपनी यानी बंद करना। जब हम लोग सेट कंपनी में क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भारत स्टोर बंद हो गया है, यानी कि लॉग आउट हो गया है। वापस सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, अपना कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, भारत स्टोर खोल लेते हैं। एंड देन हमारे यहाँ पे सेट कंपनी भी हो गई, सेलेक्ट कंपनी भी हो गई। उसके नीचे डेट चेंज करने के लिए F2 दिया गया है, डेट चेंज करना है, पीरियड चेंज करना है यानी कि फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख सकते हैं CMP कंपनी इन्फो, यानी कि कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग जैसे कि हमें अगर हमारे कंपनी के जो भी डिटेल्स हैं वो अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज कर पाएंगे। तो कंपनी में जैसे कि मान लीजिए आपका एड्रेस अगर आपका चेंज हो गया, एड्रेस आपका चेंज हो गया, या फिर आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज हो गई, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन से, कंपनी इन्फॉर्मेशन से। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिल में जो आपने कंपनी क्रिएट के दौरान जो डिटेल्स भरी थी वही आपके बिल में आएगा अगर आप इसे अपडेट नहीं करते हैं। तो अगर आपका किसी कारणवश ऐसा हुआ हो कि अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ हो या फिर फ़ोन नंबर चेंज हुआ तो आपको डेफिनेटली ये अपडेट करना ही होगा। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर जाके हम अपना कंपनी के डिटेल्स को अपडेट करते हैं। सो कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आप अल्टर F3 भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर उस ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टर लिखे हुए, ALT अल्टर, अल्टर यानी कि चेंज करना। तो जब हम लोग अल्टर में जाएंगे तो अल्टर में जाकर हमें हमारी कंपनी को सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में वापस उसी फॉर्म में हम लोग पहुंच जाते हैं जहां पे सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था। तो यहां पे मैं भरत स्टॉल लिखा है, स्टॉल भरत स्टॉल लिख दिया मैंने, स्टोर को हटा के, और एड्रेस भी चेंज कर दिया, हैदरपाड़ा हकीमपाड़ा को हटाकर हैदरपाड़ा लिख दिया। एंड देन उसके बाद में नीचे फ़ोन नंबर को भी चेंज कर देते हैं, कोई एक नया फ़ोन नंबर ऐसे लिख देते हैं। ओके, बाकी सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं इसको, इंटर इंटर इसके बटन से वापस हम होम पेज में चले जाते हैं। भरत स्टॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं भरत स्टॉल हो चुकी है, चलिए खोल कर देखते हैं, हैदरपाड़ा भरत स्टॉल, फ़ोन नंबर भी चेंज है देखिए। तो ये इसी तरीके से हम चेंज कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। वो इसके बटन से बाहर आते हैं, हमें कंपनी इन्फो नहीं गेटवे ऑफ टैली में जाना है, यानी कि फर्स्ट पेज में पहुँचना है, तो वापस इसके बटन दबाकर हम लोग पहुँच जाएंगे। देखिए भरत स्टॉल लिखा हुआ है, एंड तो आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से कंपनी सिलेक्ट की जाती है, सेट की जाती है, और कंपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स चेंज की जाती है। यानी अगर आपका कंपनी किसी कारणवश बंद हो गया हो तो हमें वापस कंपनी इन्फो में जाके अल्टर में जाना है, उसी फॉर्म को खोलना है जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया अपडेट किया था, एंड उसे हमको डिलीट करना है, यानी कि ये आइडिया इस्तेमाल नहीं की जाएगी क्योंकि बंद हो चुकी है। तो बिजनेस बंद होने पर
हमारे सॉफ्टवेयर से अगर हटानी है तो हमें हमारे कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करके डी प्रेस करना है, अल्ट डी फॉर डिलीट, डिलीट करने के अल्ट प्रेस डी करते हैं, यस या नो पूछा जा रहा है तो यस वाई फॉर यस एंड फॉर नो, कीबोर्ड से वाई प्रेस कर सकते हैं, श्योर यस वाई फॉर यस एंड देन जब हम सिलेक्ट, यहाँ पे देखिए बंद हो चुकी है, सिलेक्ट कंपनी के अंदर जाके भी एक बार देख लेते हैं, सिलेक्ट कंपनी के अंदर जाके हम देखते हैं तो देखिए भारत स्टॉक यहाँ से हट चुकी है, हमारे सॉफ्टवेयर से हट चुकी है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना सिलेक्ट कंपनी, कंपनी किस तरीके से क्रिएट करने के बाद में खोजी जाती है, लिस्ट कर निकाल के किस तरीके से क्रिएट की जाती है और किस तरीके से हम उसे अल्टरेशन करेंगे यानी कि चेंज करेंगे और किस तरीके से हम उसे बंद करेंगे, मतलब यानी कि डिलीट करेंगे सॉरी। एंड मैं आपको बता दूं जाने से पहले कि नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे टैली ईआरपी नाइन का कौन सा सीरीज है, वो कौन सा एडुकेशन बोर्ड में चल रहा है या फिर लाइसेंस बोर्ड में चल रहा है, सारे डिटेल्स हमारे नीचे बॉटम में दी जाती है। यहाँ पे देखिए 6.2 वर्जन लिखा हुआ है एडुकेशन बोर्ड में है। तो इस तरीके से पहले चैप्टर हम लोगों ने कम्प्लीट कर ली, अभी हम क्विट करके हम इसे बंद कर देते हैं। तो बंद करने के लिए क्विट पे जाना है और यस प्रेस करना है, फिर यस।